तो आज हम करेंगे सिर्फ 3 प्रोडक्ट का यूज करके पूरा फुल फेस मेकअप। सच में यार, सिर्फ 3 प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। और ये लुक ना आप एवरीडे में कर सकते हो, कॉलेज जा सकते हो करके, ऑफिस जा सकते हो, और हाँ स्कूल कोई सेंसेस बात स्कूल भी करके जा सकते हो अगर टीचर आपको ना पकड़े तो। समझ रहे हो आप। ओके, जोक्स अपार्ट पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि स्किन केयर है ना, वो तो आपने करना ही करना है। लाइक टोनर लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो, वो मेकअप में नहीं आता है। ओके, हाँ तो फिर उसके बाद ना आप कुछ भी लगा सकते हो। आप लगा सकते हो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, कुछ भी। लेकिन मैं इन तीनों में से आज कुछ नहीं लगाऊंगी। ना ही बीबी क्रीम का यूज करेंगे, ना ही फाउंडेशन का, और ना ही कोई टिंट का। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे यहाँ पर कंसीलर का यूज। यस, कंसीलर जो होता है ना, वो हमारे जो डार्क स्पॉट होते हैं, कुछ डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, उसको भी हाइड कर देता है। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आपको एक फेयर कवरेज दे देती है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। मैं सिर्फ यूज करूंगी ये वाला कंसीलर जो कि एले गर्ल का है, काफी अच्छा है। और कंसीलर बिना हमें बिल्कुल एकदम अलग शेड का नहीं लगाना है, जो कि हमारे स्किन टोन से मिलता जुलता हो वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये यूज कर रही हूँ इन दी शेड मीडियम पेज। ये मेरे डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से हाइड कर देगा। देखो मेरे फेस के स्किन टोन के जैसा ही है ये, और जहां जहां पर मुझे नीड है ना, डार्क सर्कल है और अपर लिड पे और यहाँ पर माउथ के अराउंड, मैं इसको लगा लूँगी सिर्फ जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है वहीं पर, बाकी कहीं और नहीं लगाएंगे। ऑल राइट, कंसीलर को हमने लगा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चाहो तो आप किसी ब्रश से ब्लेंड कर लो या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हो। फिंगर से भी करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और बहुत नेचुरल आती है फिंगर से भी, और ब्रश से भी मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। और अगर ब्रश से करना चाहते हो तो ब्रश से भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप अपने हाथ खराब नहीं करना चाहते हो कहीं तैयार होते हुए, तो फिर ये जो रूटीन है, जब मुझे बहुत जल्दी होती है ना रेडी होने की, तब मैं करती हूँ और फटाफट से रेडी होके चल लो फिर। और ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो, बट यार ये बिल्कुल नेचुरल लुक रखेंगे हम, क्योंकि 3 प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो यार इतना ज़्यादा हैवी तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो ब्रश में लेफ्ट ओवर बचेगा ना, उसी को ही पूरे फेस पे ऐसे करके हम डैब डैब कर लेंगे। और राइट, काफ़ी हद तक हमारा फेस जो है वो टोन्ड आउट हो चुका है। नेक्स्ट हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो दूसरा प्रोडक्ट है और थर्ड प्रोडक्ट बस उसके बाद ख़त्म है, ठीक है। ख़त्म, टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा। सो सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्लश या फिर टिंट। यस, एब्सोल्युटली हम इनमें से ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये है मार्स का ब्लश जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है। ये पीच शेड में है, लाइक प्रॉपर पिंक में है, तो आज हम इसी को यूज़ करेंगे। वैसे आप टिंट भी यूज़ कर सकते हो जो कि बेनेटिंट का ड्यूप है, मैं मोस्टली वो भी यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये वाला वाटर टिंट, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। एक अर्थ रिदम का भी टिंट है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आज हम यूज करेंगे ये न्यू वाला ब्लश, देखते हैं कि कैसा है। और वैसे ये पीच शेड में है, काफी बढ़िया इसका शेड होगा, और लाइक दिस है तो यार अच्छा, मस्त एकदम बढ़िया लग रहा है। वैसे तो लगा के देखते फेस के ऊपर कैसा लगेगा। थोड़ा सा ब्लश लूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है, मैंने वीडियोज में देखा था बाकी सबकी। ये जो होता है ना, ये बहुत बुरा लगता है, और इसको हम ब्लेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर। यार सच में है तो पिगमेंटेड। ब्लेंड हो गया है, थोड़ा सा आईज के ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा हम चिन के ऊपर लगा लेंगे एंड थोड़ा सा हम नोज के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा लिप्स के ऊपर भी लगाएंगे, और मेरे लिप्स जो है वो थोड़े पिगमेंटेड है, दैट्स वाई ये ना मेरे लिप्स के ऊपर पिंक लग रहा है। यार लिप्स पे लगने के बाद ये काफ़ी न्यूड शेड लग रहा है लगाने के बाद, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन अभी हमारा एक और प्रोडक्ट रहता है, तो हम थर्ड प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। उसके पहले, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, उसके पहले मैं क्या करूँगी, अपनी लैशेस को कर्ल, लैशेस को कर्ल कर रहे हैं, यानी कि हम लगा रहे हैं मस्कारा थर्ड प्रोडक्ट पे, क्योंकि आई कांट मिस मस्कारा, क्योंकि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। मस्कारा तो लगाना ही लगाना है, मेरी लैशेस है ही नहीं यार बिल्कुल, ठीक है। और आप भी मेरी वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, तो मस्कारा तो आप स्किप करते ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैशेस को कर्ल। सो लैशेस को मैंने कर्ल कर लिया है, देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। एंड दिस मस्कारा इज फ्रॉम एसेंस, ये बहुत अच्छा है, एसेंस का मस्कारा है, काफी बढ़िया लैशेस को लेंथ दे देता है, लाइक दिस दोनों में फर्क दे सकते हो, क्या बढ़िया सी लेंथ इसने दे दी है लैशेस को। ओह गॉड, प्लीज नो।
मस्कारा लगाओ और आपसे ऐसा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उसको हम सूखने देते हैं, इतना हम लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगा लेंगे। ओके, हाँ जी, मैंने किसकी शक्ल देखी थी यार उठते हुए, देखो यहाँ पे भी मस्कारा लग गया। चलो इसी के साथ साथ हैक भी बता देती हूँ उसको हटाने का, कि कभी भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है और मस्कारा लग ही जाता है तो हमें कैसे उसको करना है। पहले तो उसको ड्राई आउट होने दो अच्छे से, और मेरा इस वाली आई का भी लैश लाइन का रह रहा है मस्कारा, पहले मैं वो लगा लेती हूँ और इतना जो है ना ये सूख जाएगा। ठीक है, नाउ ये सूख चुका है, उसके बाद हम इसको हटाएंगे और फिक्स करेंगे। आप स्पूली ले सकते हो, सबसे बेस्ट है, या फिर ले सकते हो ये वाला ब्रश वाला जो ब्रश आता है, इस तरीके का होता है, ये आईब्रोज के लिए है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हटाएंगे अपना मस्कारा जो हमने लगाया है और जो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है इसमें। राइट दिस, ठीक है, 90% तक ये हट जाएगा और हट चुका है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने ब्रश से जो भी लगाया ना, कंसीलर लगाया, हाथ से लगाया, जो भी लगाया है, तो उसी से यहाँ पे जस्ट डैप कर देना है। उसी में ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एंड वोइला, गायब। अब उसके बाद मैं ये वाला हटा के आती हूँ फटाफट से। एक तो मैंने आपको सिखा दिया है, इसी तरीके से कभी भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा मेकअप खराब मत करने लग जाना, सिर्फ ये हटा लेना। ओके, और फटाफट से अभी मैं ये फिक्स करके आती हूँ। Now this is the final look, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा क्लोजअप और दिखाती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ऑलवेज की तरह। मुझे ये बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक। कहीं भी जल्दी में जाना होता है, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट और मेकअप कर डालो, ठीक है, टाइम भी एकदम 5 मिनट से कम ही लगेगा आपको। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो कैसे ठीक करना है, जैसे मस्कारा वाली। और कौन से मेकअप लुक आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो फटाफट से। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मुझे बताना कैसा लग रहा है ये लुक। ओके,